सात दिन रात को खाना खाने के बाद सौंफ खाने के फायदे जानकर चकित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रही है, अगर आपको मोटापे की समस्या बढ़ते जा रही है, या फिर अगर आप अंडरवेट हैं, आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, यानी कि वेट अगर आपका बढ़ गया या फिर वेट काफ़ी कम हो गया है, इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं रहती है, बाल आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी रोग रहता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, खून की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अष्टांग हृदयम, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब वाग्भट ऋषि ने लिखी थी, उसके अनुसार सौंफ को आपको किस तरह से प्रयोग करना है भयंकर से भयंकर रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए। शहद के साथ आपको कौन कौन सी बीमारी में प्रयोग करना चाहिए सौंफ का, दूध के साथ कब सेवन करना है सौंफ का, हल्के गुनगुने पानी के साथ कब सौंफ का सेवन करना है, या फिर दोस्तों मिश्री के साथ, साथ में गुड़ के साथ, साथ में बादाम के साथ आपको सौंफ का सेवन कब करना है, किस तरह से करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं, कौन से भयंकर रोग जड़ से खत्म होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। मैं कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन पे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं रोजाना डेली बेसिस पर अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल में उसी वक्त मिल जाए। चलिए जानते हैं कि सौंफ के फायदे क्या होते हैं, प्रयोग किस तरह से करना है, कौन से भयंकर रोग को बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करें, तो अगर आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रही है, आपकी आई साइट वीक होते जा रही है, उसके कारण कई सारे हो सकते हैं। मोबाइल काफ़ी पास से देखते हैं, ज़्यादा समय तक चलाते हैं, कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने ज़्यादा देर तक बैठते हैं, या फिर बचपन किसी भी कारण से, जेनेटिक कारण से बचपन से आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, उसमें चलिए आइए जानते हैं कि सौंफ का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। 4 से 5 महीने के अंदर भयंकर से भयंकर नंबर का, -4, -5, -6, -7 नंबर का चश्मा भी दोस्तों जड़ से उतर जाता है। प्रयोग किस तरह से करना है, 1 ग्राम की मात्रा में आपको सौंफ ले लेना है, हरे वाला जो सौंफ होता है आपको वो ले लेना है। साथ में दोस्तों आपको 2 ग्राम की मात्रा में मिश्री लेनी है, चीनी अलग होती है, मिश्री अलग होती है, मिश्री आपको पंसारी की दुकान से, किराने की दुकान से काफी आसानी से मिल जाएगी। 1 ग्राम की मात्रा में आपको सौंफ लेना है, 2 ग्राम की मात्रा में मिश्री लेनी है, और साथ में दोस्तों आपको 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में बादाम लेने हैं। आप क्या करना है, इनको हवाम दस्ते में, जो हमारे घर में माताएं बहनें पत्थर की लंगरी मिर्च मसाले कूटने के लिए, चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं ना, उसके बीच में आपको तीनों चीज़ों को अच्छे से बारीक कूट के उसका पाउडर बना लेना है, चूर्ण बना लेना है। उसके बाद में दोस्तों चूर्ण बनाने के बाद आपको दूध के साथ, शुद्ध जो दूध होता है गाय का, उसके साथ में दोस्तों सुबह और शाम को 2 टाइम हल्की गुनगुने पानी के साथ भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, दूध सबसे बेस्ट होता है। जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता या फिर सुबह दूध पीना दोस्तों ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, शाम को दूध के साथ लेंगे औषधि तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, सुबह आप हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच की मात्रा में लें। साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है या फिर 1 गिलास दूध लेना है, ये डेली आप 2 समय आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है आंखों के भयंकर से भयंकर रोग को जड़ से खत्म करने के लिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। चलिए जानते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। दोस्तों अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, खाया पिया कुछ भी शरीर में नहीं लगता है, खून की कमी अगर आपको रहती है, कैल्शियम की कमी अगर आपको रहती है, तो दोस्तों आपको 1 चम्मच शहद लेना है। जिनको डायबिटीज़ की समस्या है उनको शहद नहीं लेना है, 1 चम्मच की मात्रा में आपको सौंफ लेना है, 1 चम्मच की मात्रा में आपको शहद लेना है, और साथ में दोस्तों 1 चम्मच की मात्रा में गुड़ का पाउडर, शुद्ध गुड़ होना चाहिए, डार्क ब्राउन कलर का गुड़ होता है दोस्तों, तीनों को मिला के हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट, साथ में अगर आप चाहें तो त्रिफला चूर्ण भी इसके बीच में डाल सकते हैं। सेवन करने से भयंकर पेट की बीमारी, एसिड अगर आपके पेट में बनता है, जड़ से खत्म हो जाता है। चलिए जानते हैं तीसरे फायदे के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आपको मोटापे की समस्या है, अगर आपका बैली फैट बढ़ रहा है, अगर आपके शरीर में चर्बी अक्यूमुलेट होती है बहुत ज़्यादा है, मोटापे को घटाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच की मात्रा में सौंफ का चूर्ण लेना है, सौंफ का पाउडर लेना है, घर पे ही आपको पाउडर को तैयार करना है,
एक चम्मच की मात्रा में आपको नींबू का रस लेना है, एक चम्मच की मात्रा में शहद यानी कि हनी लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपको हल्के गुनगुने पानी के बीच में, दोस्तों जो गुनगुना पानी होगा उसको एक रात पहले आपको तांबे के बर्तन के बीच में पूरी रात रखना, अगले दिन सुबह उठ के आपको उसको हल्का सा गर्म करना है, गुनगुना करना है। उसके बीच में आपको ये तीनों चीज़ें, सौंफ का पाउडर, नींबू का रस, साथ में हनी शहद, तीनों को मिला के धीरे धीरे करके सीप सीप करके, घटा घट नहीं पीना है आपको, एक एक घूट घूट करके आपको पीना है। कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगाएं। दोस्तों ये क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी फास्ट कर देता है। आप जानते होंगे अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपको मोटापा जल्दी बढ़ेगा, आपकी बॉडी में चर्बी एक्युमुलेट होगी, और अगर आपका मोटापा, अगर आपको जल्दी बर्न करना है, कैलोरीज को बर्न करना है, तो मेटाबॉलिज्म को तेज करना ही पड़ेगा। तो ये ड्रिंक क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है, वजन आपका तेजी से घटेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करें, तो अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी कैल्शियम की कमी रहती है, यानी कि अगर आपके घर में किसी की भी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, दोस्तों अगर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, क्रैकलिंग साउंड आती है जॉइंट से, पूरे शरीर की हड्डियों से टक टक की आवाज आती है, तो दोस्तों हड्डियों को डेंस बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अष्टांग हृदयम का सौंफ का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। आपको क्या करना है, रात को सोते समय तांबे के लोटे में, यानी कि तांबे का जो बर्तन होता है, गिलास होता है या फिर जो लोटा होता है, उसके बीच में आपको पानी रख देना है कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सुबह उठते हैं उसको किसी भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में हल्का सा गुनगुना कर लेना, वही जो तांबे के बर्तन का पानी था। उसके बाद दोस्तों एक गिलास हल्के गुनगुने पानी के बीच में, जो कि तांबे का बर्तन का है, उसके बीच में आपको दोस्तों एक चावल का दाना होता है, जो एक राइस का दाना होता है, उतना आपको चूना मिलाना है, साथ में एक चम्मच सौंफ का पाउडर दोस्तों उसके बीच में मिलाना है, साथ में दोस्तों एक चम्मच तिल का पाउडर। ये आपको दोस्तों तीनों चीज़ें आपको पानी में मिला करके सुबह खाली पेट जैसे आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद में सेवन करनी है। ये हड्डियों को डेंस बनाने में, मजबूत बनाने में, तगड़ा बनाने में, कट कट की अगर आपकी आवाज़ आती है, इवन जिनको गठिया रोग रहता है हाथों में, पैरों में, कमर में, जिनके दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है, खासकर जिनको अर्थराइटिस की समस्या होती है, खासकर बुढ़ापे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आप एंटी एजिंग दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा उम्र से पहले बूढ़ा ना हो, चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, बाल सफ़ेद ना हो, यानी कि बुढ़ापा आपका काफ़ी देरी के बाद दिखाई दे, 50 के बाद में आपके बाल सफ़ेद होने लगें, झुर्रियां भी 50 के बाद में आए, आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो एक्टर होते हैं बॉलीवुड में, एक्ट्रेसेस होती हैं, उनका जो बुढ़ापा होता है काफ़ी डिले हो जाता है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन अष्टांग रिदम का प्रयोग बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक चम्मच आंवले का चूर्ण, यानी कि जो इंडियन घोसबेरी होती है, आंवला होता है, उसका चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर के मिल जाएगा, आपको लेकर के आना है। और दोस्तों साथ में एक चम्मच सौंफ का पाउडर, यानी कि सौंफ का चूर्ण आपको घर पे तैयार कर लेना है, सौंफ को भून करके, आपको ध्यान रखें कि सौंफ जब आप भूनेंगे आपको किसी भी तेल के ऊपर नहीं भूनना है, सिर्फ आपको तवा गर्म करना है और सौंफ को उसके ऊपर डाल के थोड़ा सा हल्का सा भून लेना है, ब्राउन ब्राउन, लाइट ब्राउन आपको होने देना है। तो उसके बाद में इसका मिक्सी में पाउडर बना लेना है, एक चम्मच आपको सौंफ का पाउडर लेना है भुने हुए वाले का, और साथ में एक चम्मच आंवले का चूर्ण, और दोस्तों आपको एक गिलास गुनगुने पानी में, जो कि तांबे के बर्तन के बीच में पूरी रात ओवरनाइट रखा हुआ होना चाहिए, उसके बीच में आपको दोनों चीज़ें मिलानी है, साथ में एक चम्मच शहद आपको उसके बीच में मिलाना है, आधा नींबू का रस, आधा जो नींबू कटा हुआ होता है उसका रस आपको उसके बीच में मिलाना है। ध्यान रखें अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ की समस्या रहती है तो आपको दोस्तों बीच में शहद नहीं मिलाना है। दोस्तों इस ड्रिंक का अगर आप नियमित रूप से, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया हफ्ते में 2 से 3 बार एक एक दिन छोड़ करके सेवन करते हैं, 1 महीने तक लगातार, यानी कि 1 महीने में कम से कम 10 से 12 बार इसका सेवन करते हैं ड्रिंक का, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी झुर्रियां जो भी उम्र से पहले आ गई हैं, चेहरे पर ग्लो नहीं रहती है, उम्र से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं, वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आजकल के यंगस्टर्स को, खास करके आजकल के पुरुषों को अंदर वाली कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है। आप समझ पा रहे होंगे मैं कौन सी अंदर की कमजोरी की बात कर रहा हूँ। रात को देर तक जागते हैं, मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आप सभी को पता है, सुबह देरी से उठते हैं, उसके कारण क्या होता है, एनर्जी का जो बॉडी में जो एनर्जी का लेवल होता है काफ़ी डाउन हो जाता है, नीचे चले जाता है, सुस्ती आती है,
आलसपन बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी का लेवल यानी कि जोश ही नहीं लगता है ज़िंदगी में। दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए सौंफ का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन अष्टांग रिदम का आपको मैं प्रयोग बता रहा हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, एक चम्मच की मात्रा में सौंफ लेना है, साथ में एक चम्मच की मात्रा में दोस्तों त्रिफला चूर्ण लेना है। सौंफ अगर हो सके तो भुना हुआ होना चाहिए, साथ में चूर्ण की फॉर्म में होना चाहिए यानी कि पाउडर की फॉर्म में होना चाहिए। एक चम्मच आपको सौंफ का चूर्ण लेना है, एक चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना, साथ में दोस्तों एक चम्मच अश्वगंधा, तीनों को मिला करके दोस्तों आपको सुबह ऐसे ही हल्के गुनगुने पानी के साथ में सुबह खाली पेट सेवन कर लेना है। साथ में दोस्तों अगर हो सके तो आपको थोड़े से छोटा सा जो टुकड़ा गुड़ का होता है वो भी आप सेवन कर सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं रहती। किसी भी प्रकार की आजकल के जो यंगस्टर्स की कमजोरी होती है, अंदर की जो कमजोरी होती है उसको ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको 100 साल तक यानी कि वृद्ध अवस्था तक किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी ना हो, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको चरक संहिता का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूँ सौंफ का। साथ में कुछ प्राणायाम भी करना है, लेकिन वो भी अच्छे से ख्याल रखें। सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, एक चम्मच भुने हुए सौंफ का चूर्ण लेना है, साथ में दोस्तों एक चम्मच गुड़ का चूर्ण लेना है, और साथ में दोस्तों एक चम्मच आंवले का चूर्ण लेना है। तीनों को बराबर मात्रा में यानी कि एक चम्मच की मात्रा में हल्के गुनगुने पानी के बीच में मिला करके, कितना पानी होना चाहिए दोस्तों, आधे कप के आसपास पानी। देखिए मैं गिलास की बात नहीं कर रहा, जो कप होता है चाय पीने वाला उसका भी आधा कप, उतने पानी के बीच में आपको तीनों चीज़ें मिलानी है। गुड़ का चूर्ण भी मिलाना है, सौंफ का चूर्ण भी मिलाना है, और साथ में जो मैंने आपको आखिरी चीज़ बताई आंवले का चूर्ण, वो भी मिला करके आपको सेवन करना है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद में दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, और मन में आपको ये संकल्प लेना है, ये भाव करना है कि मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। दोस्तों अगर आप ये सौंफ का प्रयोग करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, साथ में 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो दोस्तों आप वृद्ध अवस्था जो हम बोल रहे हैं ना, जैसे कि बुढ़ापा होता है, तब तक आपको कोई भी ज़िंदगी में बीमारी नहीं होने वाली। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्या पता किसी की मदद हो जाए। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।